चलो यहां पर सबसे पहले यहां पर लॉगिन करके बताता हूं कि भाई यहां पर पहली बार जब आप यहां पर ओपन करते हो तो आपको यहां पर डेल्टा एक्सचेंज लिखना है, ठीक है। जैसे ही डेल्टा एक्सचेंज यहां पर आप ओपन करोगे, ठीक है, तो यहां पर आपको आपके गूगल के थ्रू लॉगिन करना है। उसके बाद में हम यहां पर तीन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कि यहां पर भाई ओआई एनालिसिस कैसे करें, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन है आपका बैलेंस कहां पर देखना है, हाउ टू एड फंड, ठीक है, हाउ टू एड फंड, वो भी हम यहां पर देखेंगे। और तीसरा कि भाई ऑर्डर यहां पर डालेंगे तो ब्रोकरेज कितना लगेगा, विथ मार्जिन ब्रोकरेज लगेगा या विदाउट मार्जिन ब्रोकरेज लगेगा, बायर में कितना मार्जिन लगता है मतलब ब्रोकरेज लगता है, सेलिंग में कितना मार्जिन आपका ब्रोकरेज लगता है, फ्यूचर में कितना लगता है और ऑप्शन में कितना लगता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन सबके माइंड में होंगे, राइट। तो चलिए यहां पर शुरुआत कर लेते हैं। जैसे डेल्टा एक्सचेंज को लॉग इन करते हो, मैं सारा का सारा फंक्शन आपको यहां पर मैं बताऊंगा, ठीक है। पहला फंक्शन है मार्केट, दूसरा फ्यूचर, ऑप्शन, स्प्रेड्स, ये रहा स्प्रेड्स, यहां पर न्यू आ चुका है। जो लोग यहां पर स्प्रेड के बारे में पूछ रहे थे वो यहां पर बना सकते हो। यहां पर मोर, उसके अंदर भी स्ट्रेडल मूव एंड इजी ऑप्शन मोड, स्पॉट, रोबो स्ट्रेटजी, सब कुछ यहां पर दिया गया है, ठीक है। आपको एक एक करके चेक कर लेना है। उसके बाद में डिपॉजिट एंड बाय फंड कैसे देखना है, सब कुछ देखो यहां पर। आप जैसे ही यहां पर जो वॉलेट का बटन है, वॉलेट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा आपका यहां पर बैलेंस कितना है, ठीक है ना, बैलेंस कितना है आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में यहां पर पीएनएल एनालिटिक्स के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको पीएनएल एनालिटिक्स आपको दिखेगा। मैंने यहां पर $251 से यहां पर पिछले वीक में स्टार्ट किया था, ठीक है, $251, एंड अभी आप देख सकते हो $341 पे यहां पर रुका हुआ है, ठीक है। यहां पर देख लो आप $341 पे यहां पर रुका हुआ है, ठीक है। 96.97 यहां पर USDT का मुनाफा हुआ है, ऑलमोस्ट देखा जाए तो 8,500 रुपए, ठीक है, 8,500 रुपए। यहां पर अगर 20,000 डालने पर 8,500 रुपए वीकली मिलता है तो और क्या चाहिए बॉस, ठीक है, इतना इनफ है। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भाई यहां पर डिपॉजिट कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहां पर डिपॉजिट के ऊपर क्लिक किया और डिपॉजिट के अंदर जाने के बाद यहां पर डायरेक्टली आपको डिपॉजिट बाय क्रिप्टो INR से करना है या डिपॉजिट बाय क्रिप्टो से करना है, तो मुझे क्या करना है कि INR से करना है, ठीक है। यहां पर USDT में सिलेक्ट कर लूंगा एंड यहां पर जो प्लेटफॉर्म है वहां पर ऑन मीटर रखूंगा, राइट। एंड जो भी आपको रखना हो, आप Alpine भी रख सकते हो, आप यहां पर सिंप्लेक्स भी रख सकते हो, ठीक है। यहां पर मैं ऑन मीटर रखूंगा, पे के ऊपर यहां पर देखो 1,000 रुपए डालने हैं, 1,000 नहीं होंगे, ठीक है, डायरेक्ट आप INR डाल रहे हो। 3500 मिनिमम आपको यहां पर शो हो रहा है, 3500 डालने पर आपको कितना मिलेगा यहाँ पर 39.48 यहाँ पर USDT आपको मिलेगा। चलो यहाँ पर मैं Alpine पे जाके देख लेते हैं कि Alpine में कितना मिल रहा है 3500 डालने पे। Alpine में लगभग सेम ही मिल रहा है, चलो कोई बात नहीं, हम सिंप्लेक्स में डाल के देखेंगे सिंप्लेक्स में कितना हो रहा है। वहां पर भी आप 3500 डालोगे तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पर, हाँ यहाँ पर ओके, यहाँ पर बोल रहा है मिनिमम 1,00,000, मिनिमम आपको 4,100 डालना पड़ेगा, ठीक है, 4,100 डाल लेते हैं, 4,200 डाल लेते हैं, ठीक है। तो 4,200 पे कितना मिल रहा है सिंप्लेक्स में 4,200, मतलब ऑलमोस्ट सबका एकदम बराबर ही है, ठीक ठाक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी इतना कुछ चेंजेसमेंट नहीं है, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट यहाँ पर चले जाते हैं, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई डिपॉजिट तो यहाँ पर कैसे करना है। तो आप यहाँ पर ऑन मीटर सिलेक्ट कर लो, 3500 डाल दो मिनिमम है, ठीक है, आप 4,000, 5,000, 10,000 भी डाल सकते हो। एग्री टर्म्स एंड कंडीशन करके बाय कर लेना है। जैसे ही आप यहां पर बाय करोगे तो आपको यहां पर बोलेगा UPI कौन सा, ठीक है, UPI IMPS UPI, ओके। चलो आपका 0.70 पैसे रुपए में, नॉट ए डॉलर, ठीक है, 0.75 पैसे यहां पर ट्रांजेक्शन फी लगेगा, ओके। यहां पर आपको डाल देना है अपना UPI ID, मैंने जो डाला है, मतलब ये मत डालना, ठीक है, अपना डालना है, ओके। एंड यहां पर प्रोसेस कर लेना है। जैसे प्रोसेस करोगे आपके सामने ऐसा QR कोड ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपको फर्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है, QR कोड से स्कैन करो, डायरेक्ट पैसे डालो, यहाँ पर UTRD डाल देना हो जाएगा, या तो फिर आप यहाँ पर UPI ऐप के थ्रू यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करके फिर आगे अंदर आप देखोगे तो आपको रिक्वेस्ट मिल गया होगा फोन में, देन आपको यहाँ पर प्रोसेस कर लेना है एंड जो UTRID होगा वो यहाँ पर डाल दोगे तो आपका पेमेंट एड हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि भाई अब यहाँ पर देखो ये जो हमने जो चालू किया है, ठीक है, इसके अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ भाई आपको एनालिसिस कैसे करना है, ठीक है, एनालिसिस आप कैसे करोगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक मिनट आ गया, यहाँ पर आ गया,
इधर आ गए। एनालिसिस कैसे करोगे? जस्ट वन मिनट। मैं भी वहां पे नहीं है, तो रिसोर्स में देखो वहां पे मिलेगा। अच्छा निकालो रिसोर्स में मिलेगा। ये कहां चला गया? ये रिसोर्स रिसोर्स है ना यहां पे। कहां है रिसोर्स? राइट साइड राइट साइड मेबी राइट साइड राइट साइड आ गया। ऑफ फॉर ए तुम। अच्छा यहाँ पर उसके नीचे के लाइन पर राइट साइड में। हाँ ओके 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 यहाँ पर आ गया रिसोर्स के अंदर। पहले ऊपर होता करता था, अभी नीचे आ गया है। अभी जस्ट साइड अपडेट हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन एनालिटिक्स में जाना है, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद, ऑप्शन एनालिटिक्स में जाने के बाद यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर नजर क्या रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाना है कि भाई आईवी एंड आरवी यहाँ पर क्या चल रहा है, ठीक है। अगर आपका आईवी ऊपर है तो आपको यहाँ पर अच्छे प्रीमियम मिलेंगे, यहाँ पर अच्छे नहीं मिलेंगे, ठीक है। नीचे है तो प्रीमियम अच्छे नहीं मिलेंगे, ऊपर आपको प्रीमियम अच्छे मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर समझ में आ गया। ऊपर यहाँ पर आपको बड़े प्रीमियम, जैसे जैसे यहाँ पर रेड लाइन नीचे जाएगी प्रीमियम घटता हुआ चला जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या देखना है यहाँ पर भाई, यहाँ पर 30,000 पे कॉल राइटर हैवी है, 29,800 पे भी हैवी है, लेकिन 30,600 पे पुट राइटर यहाँ पर हैवी है, ठीक है। वॉल्यूम भी स्ट्राइक वॉल्यूम है, मतलब स्ट्राइक पे वॉल्यूम कितना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या बोल रहा है भाई, 29,600 पे यहाँ पर पुट राइटर अच्छे हैं और 30,000 पे कॉल राइटर ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपको मिल गया रेंज 29,600 एंड 30,000, ये आपका हो गया रेंज, राइट रेंज हो गया बस। और अब कुछ नहीं करना है, और अब आपको कुछ नहीं करना है। मार्केट नीचे भी आएगा तो भी 29,600 से टकरा के मार्केट ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो 30,000 से टकरा के नीचे आ जाएगा, इट्स ओके। यहाँ पर चले गए ऑप्शंस के अंदर, एंड ऑप्शन में जाने के बाद देखो पहले तो आपको मार्केट में जाना है, ठीक है। मार्केट जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है, बीटीसी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर देखो बीटीसी का यहाँ पर पूरा का पूरा ऑप्शन एनालिटिक्स ओपन हो चुका है, मतलब ऑप्शन चेन आपका ओपन हो चुका है। यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा क्या हो रहा है कि ये स्ट्राइक के अंदर यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है, पुट साइड के अंदर, एंड यहाँ पर कॉल साइड में ये वॉल्यूम ज्यादा है 30,000, एंड यहाँ पर क्या हो रहा है 29,600, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि भाई मुझे यहाँ पर रेंज मिल चुका है 29,600 एंड 31,100, ठीक है, ये मुझे यहाँ पर रेंज मिल चुका है। अब हमें क्या करना है कि भाई छोटे छोटे प्रीमियम शॉर्ट करेंगे तो सेफ रहेंगे, है ना, सेफ रहेंगे छोटे छोटे प्रीमियम के अंदर, एंड क्वांटिटी भी अच्छा खासा हम यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा 29,500 पे चला जाऊंगा कि भाई वहां पर तो आने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। तो 29,500 पे आ जाएंगे हम, एंड उस साइड बाय साइड हम यहाँ पर एक डुप्लीकेट साइड भी ओपन कर लेते हैं। के फुट के अंदर जाना है, ठीक है। 29,500 का पुट आ गया, 52-66 यहां पर चल रहा है, ठीक है, ओके। यहां पर चार्ट ओपन कर लेते हैं भाई, क्रूडल का क्या चार्ट चल रहा है। तो बीटीसी का जो चार्ट चल, सॉरी क्रूडल का, हाँ बीटीसी, सॉरी फॉर दैट। ये देखो हमने यहां पर कल भी यहां पर एनालिटिक्स करके रखा था कि यहां पर क्या चल रहा है। तो ये यहाँ पर ये शो हो रहा है कि भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने कल से ड्रॉ करके रखे हैं, इसमें कोई दोहराया नहीं है, ठीक है। आप भी यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर सकते हो, यहाँ पर ये लोवेस्ट रेट है, ठीक है, एंड एग्जैक्टली लोवेस्ट पे चल रहा है। तो हम यहाँ पर कोशिश ये करेंगे कि यहाँ से हमें एक अपसाइड का मूव यहाँ पर मिल जाए, ठीक है, बीटीसी के अंदर। देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया है, एंड यहाँ पर अपसाइड का मूव यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है, हाँ अपसाइड का मूव यहाँ पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे भाई 29,500 पे हमें यहाँ पर, या 600 में भी आप कर सकते हो, 700 में कर सकते हो, आपके रिस्क के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। शॉर्ट यहाँ पर क्रिएट करेंगे शॉर्ट। अब यहाँ पर ये देख लेंगे कि भाई यहाँ पर लिक्विडिटी कहाँ पर कम मिल रही है, ठीक है, लिक्विडिटी सब जगह पर लिक्विडिटी ज़्यादा है, 74-161, 104-121, 71-87। यहाँ पर एग्जैक्टली लिक्विडिटी बहुत ही मतलब ज्यादा है, 15 पॉइंट का यहाँ पर डिफरेंस चल रहा है, ठीक है, 15 पॉइंट डिफरेंस। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई लिमिट ऑर्डर डाल के आपको यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, लिमिट ऑर्डर डाल के एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। एक बार के लिए फिर से यहाँ पर देख लेते कि क्या सीन यहाँ पर चल रहा है, क्या सीन चल रहा है यहाँ पर, क्या देखने के लिए मिल रहा है कि भाई थोड़ा बहुत ऊपर जाने का चांसेस ज्यादा है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर पुट शॉर्ट,
ठीक है। अभी कौन सा सॉर्ट करेंगे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर ये कर लूंगा कि भाई कौन आए हैं, अमित भाई आ चुके हैं, ओके। मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि भाई यहाँ पर नीचे का ही पुट पहले सॉर्ट कर लेते हैं, उसके बाद में कॉल देखेंगे, ठीक है। तो पहले पुट 29,700 के मैं यहाँ पर सॉर्ट करूंगा, 29,700 का पुट क्या रेट चल रहा है, 98 to 107 यहाँ पर चला गया। यहाँ पर पैनल ओपन हो चुका है, शॉर्ट साइड में यहाँ पर 100x का मार्जिन यूज करूंगा। बीट रेट यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, 199, ठीक है। यहाँ पर मैं क्वांटिटी डाल देता हूँ 250 क्वांटिटी के साथ, यहाँ पर मैं जाऊँगा 250 क्वांटिटी, ठीक है। 99 मुझे यहाँ पर बेस्ट रेट मिल रहा है, एंड यहाँ पर ये लग रहा है कि यहाँ से अपसाइड मूव आना चाहिए, तो ठीक है, ओके। 100 एंड कितना मिला, 99 का यहाँ पर रेट मिल रहा है 250 के अंदर, ठीक है। बीट रेट यहाँ पर सेट कर लेना है, एंड यहाँ पर देखो अब यहाँ पर क्या चल रहा है कि भाई फीस कितना लगेगा, तो फीस में कितना है 0.03% टेकर एंड मेकर, मतलब आपका टोटल जो वॉल्यूम बनेगा इसके अंदर वो वॉल्यूम का 0.03% आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है, 0.03%, ओके। टोटल वॉल्यूम मतलब 100x का आपने यहाँ पर मार्जिन यूज किया है, एंड 99 यहाँ पर 250 कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ पर BTC भी आप ले सकते हो, USD भी ले सकते हो, और यहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकते हो, मतलब 1000 कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू 1 BTC, ठीक है। 1000 कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू 1 BTC, 98.5 का रेट मुझे मिल रहा है, सेल कर देता हूँ यहाँ पर 250 क्वांटिटी करंट रेट पे, ठीक है। बेस दिया मैंने यहाँ पर, लेकिन ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ अभी तक, जैसे हो जाएगा मुझे यहाँ पर इंटीमेशन मिल जाएगा। देखो मेरा ऑर्डर यहाँ पर आ चुका है 250.025 यहाँ पर मेरा ऑर्डर है, 97 पे यहाँ पर बायर खड़ा है, ठीक है, 98 पे नहीं है, लेकिन जैसे 98 पे आएगा मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर 50 पैसे का डिफरेंस चल रहा है अभी भी मेरे प्राइस में और इसके प्राइस में, फिर मुझे जो शो होगा वो 114 के हिसाब से मुझे यहाँ पर PNL शो होगा जैसे ही एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर अपसाइड का ही मूव यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, सो मैं थोड़ा सा एग्रेसिव होकर भी यहाँ पर मैं ट्रेड 97.5 पे भी यहाँ पर एंट्री बना सकता हूँ। मैं यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर के अंदर चला गया, देन यहाँ पर हम चेंजेस भी कर सकते हैं, 98 पर भी हम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। 98 करके मैं यहाँ पर ओके कर दिया, चलो 98 पे बायर से मेरा ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये लो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है, ओके। अब यहाँ पर मुझे $0.12 का यहाँ पर नुकसान दिख रहा है, ठीक है, ओके। अब देखते हैं यहाँ पर एक्चुअली 117 के हिसाब से आपको दिखेगा, 117 के हिसाब से ये जो दिख रहा है वो 116 के हिसाब से दिख रहा है, हाँ, ओके, 98.7 पे एग्जीक्यूट हुआ है। देखो यहाँ पर 116 के हिसाब से दिख रहा है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। एक सौ अठारह के हिसाब से यहाँ पर PNL दिखा रहा है, जैसे ही डिक्रीज होगा हमारा यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलो यहाँ पर क्या चल रहा है अभी, एक मिनट की टाइम फ्रेम है, हल्का फुल्का यहाँ पर नीचे की ओर आए हैं। दूसरा यहाँ पर आपको क्या देखना है, दूसरा यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, यही पर बताता हूँ, रिसोर्सिस के अंदर आपको यहाँ पर ऑप्शन, सॉरी रिसोर्सिस के अंदर आपको यहाँ पर ऑप्शन एनालिटिक्स में जाना है, और यहाँ पर करंट क्या चल रहा है, करंट में क्या चल रहा है। यहाँ पर जब नीचे जाओगे तब आपको नीचे यहाँ पर दिख रहा होगा कि भाई कॉल क्या हो रहा है, सेल हो रहा है, पुट में बाय हो रहा है, ओके, ठीक है। पुट में बाय हो रहा है कौन सा, 25,000 का पुट, मतलब ये हेजिंग के लिए करा जा रहा है। 30,300 का कॉल यहाँ पर सेल हो रहा है, एंड 29,500 का पुट भी यहाँ पर शॉर्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको रिसेंट मिलेगा आपको, और एवरी ऑर्डर यहाँ पर आपको दिखेगा, एवरी ऑर्डर, ठीक है, ओके, देखते हैं। डेल्टा ना क्या, ओके, ये सारा कुछ फंक्शन अभी नया शुरुआत हुआ है, जनरल ऑप्शन एनालिटिक्स, इसके बारे में भी आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा, ठीक है। ATM IV टाइम क्या है, लो IV यहाँ पर हाई है, ठीक है। तो प्रीमियम बहुत जल्दी डीके मिलेगा अपने को, बहुत ही जल्दी फास्ट डीके हमको यहाँ पर मिल सकता है प्रीमियम डीके, बिकॉज अब इसका जो एक्सपायरी होता है वो एक दिन का ही रहता है, ठीक है। कल 5:30 बजे सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर एक्सपायर्ड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मूव क्या दिख रहा है, मूव यहाँ पर एक अपसाइड का दिख रहा है, तो देखते हैं। हमने पुट शॉर्ट किया राइट नाउ, हाँ बोलिए, वहीं पे रिसोर्स में स्ट्रेटजी बिल्डर आप चार्ट भी ले सकते हैं, जो भी आप लेके रखेंगे ना, हाँ, तो
उसको भी आप मतलब देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, राइट। ओके ओके, अब यहाँ पर देख लो कि भाई हम यहाँ पर टीजर शो का कॉल भी हम यहाँ पर शॉर्ट करने का सोच रहे हैं, ठीक है। तो टीजर शो के कॉल में आ गए, टेलर के अंदर चले गए, 100x का लिमिट यूज करेंगे। बीट रेट क्या चल रहा है, 86 चल रहा है। ओके, 250 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर हम शॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। बीट रेट क्या चल रहा है, 86 चल रहा है अभी, 86 करंट रेट पे हम यहाँ पर एंट्री करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया है, ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर दोनों का मिला के अभी यहाँ पर $7 के करीब यहाँ पर नुकसान दिख रहा है, ठीक है। इसमें ब्रोकरेज भी इंक्लूड हो गया, ठीक है ना, ब्रोकरेज भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है कुछ कुछ टाइम में। बस अब क्या करना है, स्टेलर बन चुका है, 7.12 USDT यहाँ पर नुकसान दिख रहा है फिलहाल, ठीक है। ओके, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बहुत तेजी से यहाँ पर डीके मार जाएंगे और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट शो होने लगेगा थोड़ी देर में, ठीक है। और हम काफी दूर दूर बैठे हैं, यहाँ पर हमारा क्या है, 29,700 का पुट है और 30,100 का हमारे पास कॉल है, ठीक है। जनरली इसका जो रात में होता है वो प्रीमियम काफी हद तक दिखे होता है रात में, ठीक है। तो आपको कोशिश करना है कि रात में ही ट्रेड करें। अमित सोनी जी ने हैंड रेस किया है, बता दो भाई आपका क्यों क्वेश्चन है अमित सोनी जी। ऑलमोस्ट यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं। नहीं नहीं, यहाँ पर लिक्विडेशन प्राइस रहता है, अनलिमिटेड लॉस नहीं होता है। देखो यहाँ पर 87 पे यहाँ पर शॉर्ट हुआ है, ठीक है। 236 का मुझे यहाँ पर लिमिट मिल चुका है कि 236.90 के ऊपर जाएगा तो यहाँ पर लिक्विडिटी यहाँ पर ऐड होगी, ठीक है। अगर आपके पास फंड होगा तो ठीक है, फंड नहीं होगा तो कट जाएगा यहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली कट जाएगा, ऑटोमेटिक कट जाएगा वो। ये रेड वाला लाइन जब ऊपर रहता है तो प्रीमियम आपको काफी अच्छे मिल जाते हैं। जब ये नीचे चला जाएगा तो प्रीमियम कम हो जाएंगे। यहाँ पर देखो, जैसे कि हमने यहाँ पर कल ट्रेड लिया था, ठीक है। जो ट्रेड हमने कितने बजे लिया था, करीब करीब हमने लिया था 10 बजे ना, कल हमने यहाँ पर ट्रेड लिया था, ठीक है। यहाँ पर इस टाइम में हमको प्रीमियम काफी ज्यादा दिख रहे थे, ठीक है, काफी ज्यादा, और हमने अच्छे तरीके से शॉर्ट भी किया था, ठीक है। देन यहाँ पर जो मोमेंटम यहाँ पर बना हुआ था वो काफी, मतलब लेट नाइट तक भी एक अच्छा खासा मोमेंटम था, लेकिन सुबह मतलब यहाँ पर आप देखोगे 19 तारीख चल रहा है, 18 तारीख को हमने ट्रेड लिया था, 18 को हमने कितने बजे लिया था यहाँ पर, 18 को ऑलमोस्ट यहाँ पर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी प्रीमियम अच्छे मिले थे, एंड आप देखोगे तो यहाँ पर चलते हुए मार्केट मॉर्निंग का है, यहाँ पर देखो 5 बजे यहाँ पर वॉल्यूम में स्पाइक आया था, यहाँ पर वॉलिटिलिटी, जब भी वॉलिटिलिटी बढ़ेगा तब आपको यहाँ पर अच्छे प्रीमियम मिलेंगे, ज्यादा प्रीमियम मिलेंगे, ठीक है। और वो प्रीमियम ज्यादा होंगे शॉर्ट के लिए, यहाँ पर आईवी ऊपर रहना चाहिए, और आईवी जो है ऊपर रहना चाहिए तब अच्छा प्रीमियम मिलता है, नीचे रहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये वॉलेटिलिटी शो करता है, जनरली वॉलेटिलिटी यहाँ पर शो करता है कि वॉलेटिलिटी कितना रहेगा। तो ये अभी मैं हम ये बात करते हैं कि ब्लू लाइन के ऊपर अगर है तो मार्केट ऊपर गया ऐसा बात नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी, मार्केट का वॉलेटिलिटी के ऊपर रही, मार्केट का वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगा या कम रहेगा, और जब वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगा तो प्रीमियम भी अच्छे रहेंगे, वॉलेटिलिटी जैसे कम होगा तो प्रीमियम डीके हो जाएंगे। यहाँ पर देखो, अपन ने कल यहाँ पर ट्रेड लिया 10 बजे करीब, ठीक है, 10 बजे ट्रेड लिया, उसके बाद में यहाँ पर एकदम से यहाँ पर क्या हुआ, प्रीमियम डीके हो गया, डाउन हो गया, और सुबह तक यहाँ पर काफी अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट देखने के लिए मिल गया था, ठीक है। तो मैंने सुबह भी अपडेट किया था कि भाई हमने यहाँ पर पुट साइड कॉल साइड बुक पुट साइड को बुक कर लिया, कॉल साइड को रखा है, फिर कॉल साइड को भी हमने दोपहर को बुक कर लिया। अमित भाई अपने माइक को बंद रखिएगा प्लीज, बोलिए। एक मिनट भूल गए, ठीक है।
यहाँ पर देखते रहने के ऑर्डर कैसे पड़ रहे हैं। देखो यहाँ पर पुट शॉर्ट हो रहा है 24,000 का, ये हेजिंग के लिए हो रहा है, और 30,000 का भी पुट यहाँ पर क्या हो रहा है, बाय हो रहा है 30,000 का पुट। मतलब थोड़ा सा हल्का ये लोग सोच रहे हैं कि नीचे आएगा, लेकिन कॉल भी सामने यहाँ पर 29,800 के बाय हो रहे हैं। तो इन द मनी के कॉल एंड पुट यहाँ पर बाय हो रहे हैं। अभी नया ट्रेड आया, नया ट्रेड क्या बोल रहा है, 29,800 को हमने उसने क्या किया है, शॉर्ट किया है। ठीक है, यहाँ पर देखो अब अभी भी शॉर्ट में आए। जब पुट शॉर्ट होते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है, काफी हद तक नीचे से ऊपर गया मार्केट यहाँ पे, और हमारा जो पुट के अंदर जो यहाँ पर नुकसान दिख रहा था $7-8 वो कट के यहाँ पर $1-2 रह गया है। ठीक है, जब भी एंट्री मारोगे तब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो मार्क प्राइस रहता है, ठीक है, यहाँ पर जो मार्क प्राइस रहता है, मान लो 30,100 का कॉल यहाँ पर पैनल पे चालू है, ठीक है, 30,100 का जो यहाँ पर सेलर रेट दिखाएगा ना, बायर रेट, ठीक है, ये वाला हमने यहाँ पर सेल किया है, ठीक है, तो बायर रेट क्या चल रहा है यहाँ पर 89 और सेलर रेट क्या चल रहा है 102। मतलब 102 के हिसाब से, मतलब आप यहाँ पर कुछ अगर सेल किया उसको बाय करोगे तो ये रेट में आएगा, और सेल करो तो ये रेट में जाएगा। बायर के रेट पे अपन सेल कर सकते हैं और सेलर के रेट पे अपन बाय कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ पर पहले जब ऑर्डर डालोगे तब आपको छोटा मोटा लॉस दिखेगा, तो उससे आपको डरना नहीं है। क्या हो रहा है, वो चेंज हुआ है थोड़ा सा पैनल, और ये पैनल में, ये पैनल के अंदर आपको यहाँ पर जैसे आप मार्केट ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको हाँ मैं वही कर रहा हूँ, पहले मार्केट में आ जाना है, ठीक है, उसके बाद में ऑप्शन में जाना है यहाँ पर। और यहाँ पर देखो आप, ये पहली वाली पैनल नहीं, दूसरी वाली पैनल पे आपको यहाँ पर रिसोर्सेस दिखेगा, उसमें सारा नया ऐड हुआ है। अच्छा, ये नया ऐड हुआ है। हाँ, ये सारा नया ऐड हुआ है, ऑप्शन एनालिटिक्स, स्ट्रेटजी बिल्डर और ऑप्शन डेटा, ठीक है, यहाँ पर वीडियो ट्यूटोरियल भी दिया हुआ है, सेटलमेंट प्राइस भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन एनालिटिक्स में जाना है, तो आपको ये दिखेगा यहाँ पर। ये देखो अभी यहाँ पर कॉल सेल हो रहा है, कॉल सेल हो रहा है, यहाँ पर पुट भी सेल हो रहा है। मतलब यहाँ पर सीधा मतलब ये है कि सब लोग ऑप्शन सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो मार्केट ज्यादा मूव नहीं करेगा। पोजीशन कब क्लोज करना है? कल क्लोज करेंगे, छोटा मोटा अपडेट होगा तो मैं प्रीमियम ग्रुप के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, इसका आपको थोड़ा एक ओआई डाटा कैसे रीड करना है एक थोड़ा बता दूंगा, इससे ज्यादा होगा तो शॉर्ट कर लेंगे। ऑप्शन एनालिटिक्स में जाना है आपको, यहाँ पर देखना है कि भाई ओपन इंटरेस्ट क्या चल रहा है, तो 30,000 पे बहुत सारे कॉल राइटर हैं, ठीक है, एंड 29,600 पे यहाँ पर पुट राइटर हैं, ठीक है, और यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में क्या दिख रहा है कि भाई 29,600 पे यहाँ पर हैवी यहाँ पर पुट राइटर हुआ है, पुट राइटिंग हुआ है, और यहाँ पर 30,000 पे हैवी कॉल राइटिंग हुआ है। ठीक है, तो मेजर जो मोमेंटम रहेगा वो 30,000 और यहाँ पर 29,600 के बीच में ही रहेगा, समझ गए, इस तरीके से प्लान करना है। देखो यहाँ पर आईवी धीरे धीरे करके यहाँ पर नीचे जा रहा है, प्रीमियम कटेंगे यहाँ पर, ये देखो $5 का नुकसान दिख रहा था, वहां पे कट के $2.5 आ चुका है, $3, यहाँ पर देख लो मेरा $334 यहाँ पर बचे हुए हैं, मेरा कुछ यहाँ पर $2-3 यहाँ पर क्या किसमें गए, ब्रोकरेज में गए हैं। ठीक है, 341 डॉलर से हमने शुरू किया था, $334 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख लो आप कि यहाँ पर $5 ये और आपका $3 वहां पर, $2 मेरे क्या गए वो ब्रोकरेज में गए, ठीक है, $2-2.5, तो यहाँ पर कुल मिला के मुझे यहाँ पर अभी कितना दिख रहा है $333। ठीक है, देखो ये गया स्पाइक ऊपर, एक मिनट का कैंडल ही है, आपको तो पता है मैं एक मिनट पे ज्यादा भरोसा करता हूँ, 5-15 तो ठीक है, लेकिन एक पे मैं ज्यादा देखता हूँ मार्केट को। देखो जो कॉल हमने यहाँ पर 98 में बेची थी वो यहाँ पर 90 पे शो हो रहा है, अभी 90 हो गया है, जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ता जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्वांटिटी में एड ऑन करूंगा, 30,000 आएगा तब करीब। ठीक है, यहाँ पर भी क्या चल रहा है 29,900 चल रहा है, 30 के करीब अगर आएगा तो मैं यहाँ पर और क्वांटिटी भी एड ऑन कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसीलिए पहले से 250 लिए, थोड़ा सा बढ़ाऊंगा मैं, 50-50 एड ऑन कर दूंगा मैं, जैसे ही ऊपर आएगा ये। गूगल मीट के अंदर जो लोग अभी बैठे हुए हैं उनके पास अगर अकाउंट नहीं है तो मैं लिंक भेज रहा हूँ, अकाउंट बना सकते हो आप, अपने ऑन रिस्क पे यहाँ पर आपको ट्रेड करना है। ठीक है, सोच समझ के प्लेटफॉर्म को आपको ट्रेड करना है। ठीक है,
प्लेटफॉर्म को समझ के ट्रेड करना है। हाँ डबल का एसएल रखना है, सिंगल साइड अगर 20,200 का सेटअप किया है और 2 लाख लिया है धीरे 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 प्रीमियम गल जाएगा वहाँ पर। ओके लॉस दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है, बहुत बढ़िया। ये देखो यहाँ पर नीचे वाला यहाँ पर आ चुका है 87 पे, 98 में शॉर्ट किया था, $5 का प्रॉफिट होने लगा। अब मैं अगर यहाँ पर मैं SLO टारगेट में ऐड करता हूँ, देखो यहाँ पर कैसे करना है आपको। पहला तो टेक प्रॉफिट का बटन आएगा, ठीक है, 98 पे बेचा है, मैं यहाँ पर 10 में बुक करने वाला हूँ, ठीक है, आपको जनरली पता है मैं 10 में बुक करता हूँ, एंड मैं यहाँ पर 10 और 15 के बीच में जो भी आएगा मैं यहाँ पर बुक कर लूंगा, तो मुझे इस ट्रेड के अंदर $20 मिलने वाले, ठीक है। और मेरा स्टॉप लॉस 98 में बेचा है तो 198 का मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस डाल देता हूँ और 205 कर देता हूँ, ठीक है। $26 का नुकसान यहाँ पर मैंने सेट किया है और $20 का प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेट ब्रैकेट कर लेता हूँ, ठीक है, ये मेरा टारगेट एंड ऐसे सेट हो गया है। यहाँ पर भी मैं आप सेट कर सकते हैं ऐसे कि भाई हमने यहाँ पर 87 बेचा है, 100 चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर टेक प्रॉफिट 10 से 15 में यहाँ पर टेक प्रॉफिट कर लूंगा, ठीक है। 80% ऑप्शन डिक्रीज हो जाने के बाद आपको यहाँ पर प्रॉफिट को टेक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस रहेगा 198 to 205, ठीक है। यहाँ पर भी $29 का स्टॉप लॉस और $18 का प्रॉफिट मैंने यहाँ पर सेट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लग गया टीपी एंड एसएल। हाँ मैं थोड़ा सा रिस्की प्लेयर हूँ, मैं क्वांटिटी भी एड ऑन कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा भाई एसएल को हटा दूंगा, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप मत भी रखो, आप देख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं देख रहे हो तो स्टॉप लॉस को लगा दो, ठीक है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो मैं यहाँ पर नहीं लगाऊंगा। तरह तरह के मैं लिमिट ऑर्डर्स वगैरह में लगा के रखता हूँ, तरह तरह के अलर्ट में लगा के रखता हूँ, ताकि यहाँ पर क्या होगी मुझे भाई वो ना हो, ठीक है। मतलब रात में भी यहाँ पर मेरा नेट ऑन ही रहता है, अगर कोई डेल्टा एक्सचेंज का कोई भी नोटिफिकेशन आता है मैं तुरंत देख लेता हूँ रात को भी, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पर ट्रेड लेने हैं। इनमें हम नोटिफिकेशन सेट कर सकते हैं क्या? तो ना यहाँ पर एक दिखा सकते हैं, जस्ट वेट, देखो मैनेज ऑल प्रेफरेंस में जाके पुश नोटिफिकेशन, ठीक है। तो ADL लिक्विडेशन ऑर्डर फिल एंड मार्केटिंग ये सारे का सारा यहाँ पर ऑन कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पर ईमेल अलर्ट भी आपको यहाँ पर शो होएगा तो ये भी आपको कर लेना है। फिर आपको कन्फर्मेशन मैसेज भी आपको सारा यहाँ पर ऑन कर लेना है, ठीक है। टेक प्रॉफिट अगर टेक प्रॉफिट में होता है तो भी आपको मैसेज आएगा। फिर ऑलवेज शो ऑन मोबाइल में भी आएगा, ठीक है, ऑन मोबाइल डिवाइस ऑल कन्फर्मेशन मैसेज और मतलब मोबाइल में भी आपको दिखेगा, ठीक है। एंड लिमिट ऑर्डर भी यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ यहाँ पर सेट हो गया है, सारा कुछ नोटिफिकेशन मोबाइल में भी आपको मिल जाएगा। ओके थैंक यू। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका आईवी आ रहा है नीचे और आरवी जा रहा है ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर मोमेंटम ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। बड़े आराम से मैं यहाँ पर बैठ सकते हैं, तो क्या होता है सीन देखना है अपना, बस सीन आपको देखना है बस, और कुछ नहीं करना है। आप अपने चार्ट को भी देख सकते हो कि भाई जो कॉल यहाँ पर शॉर्ट किया है उसका आप चार्ट ओपन करोगे तो उसका चार्ट मिल जाएगा। ये आपने जो पुट शॉर्ट किया है उसका भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, दोनों आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर जाके चार्ट और यहाँ पर जाके चार्ट कर लें। हाँ बड़ा प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा हैंग जरूर होगा, लेकिन हैंग नहीं है, ऐसे ही चलता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर वॉल्यूम पर डे जनरेट होता है, ठीक है, बहुत ही सारा वॉल्यूम, बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम। देख लो यहाँ पर आपका ऑल साइड धीरे धीरे करके डिक्रीज हो रहा है, ओके ओके डिक्रीज हो रहा है, देखो 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 हाँ
प्राइस नीचे आ रहा है तो कॉल तो डिक्रीज होगा ही होगा। प्रश्न में आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा अभी, ये लो यहाँ पर मेरा पीएनएल घट के 1.75 पे आ गया है। किसी को कोई सवाल हो तो पूछ लो भाई गूगल मीट पे। यहाँ पर जितने भी न्यू लोग यहाँ पर ज्वाइन हुए थे उनको कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो। एलर्ट में यहाँ पर आपको इस सेटिंग में जाना है, फिर मैनेज ऑल प्रेफरेंस में जाना है और यहाँ पर आपको अलर्ट मिल जाएगा। प्रेफरेंस में जाके ये कलर ट्रेड सेटिंग पुश नोटिफिकेशन ईमेल अलर्ट कंफर्मेशन मैसेज ये सारे मैसेज यहाँ पर है अलर्ट का। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। वो मैं तो अभी देख रहा था रूट बंद कर दिया क्या? हाँ वो बंद हो गया अभी। बंद कर दिया रूट तो चालू हुई लेकिन हमने बंद कर दिया क्योंकि हमारा यहाँ पर ट्रेड रनिंग है। यहाँ पर फिलहाल के लिए 1.50 USDT यहाँ पर PNL शो हो रहा है जो कि $7 पे चला गया था। ठीक है अभी यहाँ पर देख सकते हो हमारा बैलेंस $341 पे चालू किया है। एग्जैक्टली कल हम जब फिर से ये 9 बजे हम ट्रेड बनाएंगे 10 बजे तब मैं आपको ये भी शो करूंगा कि आज के दिन में हमने जो ट्रेड लिया था उसमें कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है ये देखो यहाँ पर धीरे धीरे करके यहाँ पर नीचे आ रहा है, रिफ्रेश करके देख लेना है। आपको बाय तभी करना है जब मोमेंटम अच्छा खासा हो रहा हो तब बाय करना है, तब शॉर्ट नहीं करना है। मोमेंटम अच्छा हो तब ये 100 वाला ऑप्शन 200 300 400 तक पहुंच जाता है। कल ऐसा ही हुआ था 30,700 का हमने पुट शॉर्ट किया, शॉर्ट किया हमने 58-59 के रुपीस के अंदर और वो पहुंच गया 350। ठीक है जिन्होंने भी वो पुट बाय कर लिया था पोजीशन को रिवर्स कर लिया था वो अच्छा पैसा बना लिया, लेकिन हमने रिवर्स नहीं किया था, हमने खड़ा रखा तो हमको $20 का प्रॉफिट हुआ एंड ऑफ द डे क्योंकि वो नीचे आके फिर ऊपर चला गया और हम प्रॉफिट में रह गए। वो अपने अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हो सकता है। हाँ मैंने एक बार $150 का अकाउंट खाली भी किया है, ठीक है ऐसा कोई बात नहीं, $150 का अकाउंट मैंने एक बार खाली भी किया है। ठीक है तो आपको ऐसा नहीं समझना है कि भाई प्रॉफिट ही होगा, ठीक है वो आपकी पोजीशन आपका रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड है। ये देखो यहाँ पर लास्ट यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ट्रेडिंग सेशन के अंदर हमने यहाँ पर $96 का यहाँ पर प्रॉफिट बनाया, आप देख सकते हो यहाँ पर, और सारा का सारा हमने BTC USDT के अंदर ही बनाए हैं। पिछले 1 वीक में अगर आपको देखना है तो यहाँ पर आपको PNL एनालिटिक्स में जाने के बाद यहाँ पर ट्रेडिंग एक्टिविटी के अंदर जाना है और यहाँ पर लास्ट 30 डेज के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा शो होगा कौन सा ट्रेड आपने कब लिया था सारा कुछ। अच्छा वो देखना है आपको। हम इसके अलर्ट मोबाइल पर नहीं आते क्या? आते हैं ना मोबाइल में अलर्ट। अरे इसमें खाली चेक यहाँ पर खाली टिक कर दो सारा का सारा वहाँ पर ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। मैं ऑलरेडी 2 बार दिखा चुका हूँ यहाँ पर देखो आपको आप जो मेन होम पेज पे आओगे ठीक है तब आपको राइट साइड में जो यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है इसके बाजू में सेटिंग का बटन है, सेटिंग में जाओगे तो आपको यहाँ पर मैनेज प्रेफरेंस ठीक है इसके ऊपर क्लिक करना है। मैंने प्रेफरेंस के ऊपर क्लिक किया तो आपको ये ऑर्डर लॉग मिल जाएगा कि भाई यहाँ पर ट्रेड सेटिंग तो ये दिख जाएगा, पुश नोटिफिकेशन ये सारा ऑन कर लेना है, सब का सारा यहाँ पर ऑन कर लेना है। ठीक है डेल्टा एक्सचेंज के रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन होगी आपके फोन में तुरंत आ जाएगी। ये रहा देखो उसी के अंदर सेटिंग के अंदर मैनेज और प्रेफरेंस में जाके
ट्रेड ट्रांजेक्शन लेक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, हाँ तो कैपिटल कम होगा ना, $40 से ही काम कर रहे हैं ना आप। हाँ तो वो तो होगा, मैंने भी भाई बहुत बढ़िया, वो भी ऑप्शन बाय करके कल सेल किया था। हाँ तो मैंने अच्छा, अच्छा ओके, सेल किया और तुरंत ऑप्शन गिर गया, बहुत बढ़िया। मैं देखता ही नहीं स्टॉकिस्टिक आरएसआई को, ओके अच्छा। हाँ वो तो आपके ऊपर डिपेंड है ना कि आप कौन सा इंडिकेटर यूज करते हो। देखो इंडिकेटर कोई खराब नहीं है, सब इंडिकेटर अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं, सब इंडिकेटर अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, उसको आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा, तब जाके आप वहां पर एक उसको प्योर अच्छी तरीके से आप यूज कर पाओगे। एक चीज और पूछूं आपसे कि आप जो ऑर्डर प्लेस करते हो उसमें क्वांटिटी कैसे बढ़ाते हो? मेरा कुछ बाइकिपल सिस्टम सही है, वैसे ही है, एक डमी ऑर्डर क्रिएट करो ना, पहले उसको एग्जीक्यूट मत करना। हां चलो करता हूं, मैं करता हूं। यहां पर देखो डमी नहीं, आपको मैं रियल ट्रेड करके ही बताऊंगा, मेरा आदत बहुत गंदा है, मैं रियल ट्रेड करके ही दिखा देता हूं। देखो यहां पर कॉल चल रहा है, ठीक है, अभी मेरा मानना ये है 97 चल रहा है ना राइट नाउ, 97 चल रहा है, और 5 मिनट देख लेता हूं कि उसने लेटेस्ट हाई कहां पर लगाया हुआ है। तो लेटेस्ट हाई इसका क्या है, यहां पर है ऑलमोस्ट, ठीक है, यहां पर आई है 160 के करीब। तो यहां पर मैं क्या करूंगा कि भाई इसी यही ऑर्डर पैनल यहां पर चालू है, कॉल में यहां पर शॉर्ट करूंगा, यहां पर रेट आपको सिलेक्ट करना है कि भाई बीट रेट यहां पर जो चल रहा है उसी रेट पे लेना है या आपको सेट करना है। तो यहां पर जाके मैं सेट करूंगा कि भाई मुझे 150 के अंदर शॉर्ट करना है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी, तो यहां पर देखो कॉन्ट्रैक्ट बीटी से यूएसडीटी तीनों आता है, ठीक है, यहां पर क्या करना है कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट करना है, मतलब 1000 कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू 1 बीटीसी, समझ में आया, 1000 कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू 1 बीटीसी, ठीक है, यहां पर मैं डालूंगा 50, ठीक है, मुझे ज्यादा नहीं करना, 50 ही करना है, लेकिन कौन से रेट पे, 150 पे, ठीक है, ओके, मैं यहां पर ऑर्डर कर दूंगा प्लेस। यहां पर फिर से लिखेगा कि भाई ये सारा यहां पर आएगा, ठीक है, लिखा हुआ है सारा कुछ, ठीक है, तो बोले ठीक है ओके, यहां पर डोंट सो अगेन करके मैं यहां पर ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, 150 पे यहां पर शॉर्ट हो जाएगा ऑर्डर, यहां पर लिमिट ऑर्डर का यहां पर मैसेज आ चुका है, एंड ऑर्डर यहां पर सबमिट का मैसेज आ चुका है, ये चीज फोन में भी आ जाएगा, और जब जब आप यहां पर टर्मिनल पे प्लेस करते हो तब आपको यहां पर टर्मिनल पे ही दिख जाएगा, ठीक है, जब आप टर्मिनल ऑन नहीं है तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा, समझ गए, और यहां पर देख लो अभी 2 USD का प्रॉफिट रनिंग, समझ गए ना, अभी आपके सामने ही ट्रेड लिया गया है, 2 USD यहां पर प्रॉफिट रनिंग है। आपको देख लेना है कि भाई देखो यहाँ पर जब एड टारगेट एंड स्टॉप लॉस करोगे ना तो आपको दिख जाएगा कि कितना ऐसे कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होने वाला है। अभी हमने शॉर्ट किया है, ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई ये अगर 200 पे चला गया तो कितना लॉस होगा, $28। 97 में शॉर्ट हुआ है 80-90 में, ठीक है, 200 पे चला गया तो मुझे इतना लॉस होगा, अगर आपने बाय किया होता तो $28 का प्रॉफिट होता, सिंपल। हाँ क्या आ रहा है डाउन साइड में, आप अच्छा ये पैनल आपका नहीं आ रहा है,
ये नीचे जो पैनल आपको दिख रहा है वो पैनल नहीं आ रहा है, आप ये बोल रहे हो पीएनएल वाला। इसे पैनल को यहाँ पर नीचे कॉलम्स का बटन आएगा यहाँ पर, इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर ऑन कर देना है सब कुछ सर, आपको ऑन कर देना है। ये सब डेटा डेटा भी का आपको अगर नहीं देखना है तो ठीक है, ठीक है ये सब नहीं देखना है तो बाकी आप ये सारा ऑन करोगे ना तो आपको दिख जाएगा। देखो मार्केट ऊपर जा रहा है ठीक है, तो मुझे यहाँ पर अभी 8 यूएसडी का नुकसान दिख रहा है, नीचे 6 यूएसडी का प्रॉफिट है ठीक है। अभी मुझे पता है कि 30,000 पर बहुत हैवी सेलर है ठीक है, तो 30,000 तक जाएगा मार्केट, उसके बाद में वहां से क्या हो जाएगा रिवर्स ठीक है। तो जाने दो उसको ऊपर, जैसे ऊपर आएगा हमारा सेकंड वाला ऑर्डर जो 50 क्वांटिटी पे डाल के रखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा वहां पर। आपको ये देख लेना कि यहाँ पर कोई न्यूज तो नहीं आने वाली ना, तो न्यूज के दिन आपको नहीं करना है ये शॉर्ट सेलर। वो कैसे दिखोगे तो वो ऐसे दिखोगे आप, यहाँ पर आपको ट्रेडिंग व्यू पे आ जाना है एंड यहाँ पर जा करके सॉरी ये यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में ठीक है, देन यहाँ पर जा करके आप MCX में, मैंने यहाँ पर BTC USD को सेट करके रखा हुआ है ठीक है। और यहाँ पर देखो आज जो 19 तारीख को जो आप न्यूज आने वाली थी वो 6 बजे आ चुकी है ठीक है, और 6 बजे के बाद यहाँ पर कोई भी मोमेंटम नहीं हुआ है ठीक है, 6 बजे यहाँ पर न्यूज आ चुकी है आज। यहाँ पर ठीक है मोमेंटम नहीं हुआ तो बस न्यूज का इफेक्ट हो गया खत्म बस, तो न्यूज आपको यहाँ पर देख लेना है, कोई न्यूज तो नहीं आ रही। तब इसमें पहले यहाँ पर रिपल एंड SEC बाइट सेटल्ड ओके XRP जस्ट इट बिटकॉइन SHIB वर्स इनफ्लो 700% ऐसा आपको न्यूज देखते रहना है कि क्या चल रहा है सिम न्यूज का। अभी देखो यहाँ पर अभी यहाँ पर BTC ऊपर आ रहा है, देन हमें यहाँ पर कॉल के अंदर नुकसान हो रहा है, पुट के अंदर प्रॉफिट हो रहा है ठीक है। ये आपका हेजिंग होता है तो बच जाते हो आप यहाँ पर। अभी जब हमने 98 में बेचा था वो यहाँ पर 61 आ चुका है तो ओके कोई बात नहीं, यहाँ पर देख लूँ धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, अभी नीचे जाएगा तो हमारा क्या होगा कॉल का रेट यहाँ पर डाउन आ जाएगा। हाँ बोलिए, कल के दिन मतलब डॉलर तो दोनों जीरो होगा या फिर एक जीरो होगा? जो आउट ऑफ द मनी रहेगा वो जीरो हो जाएगा, मतलब 30,100 के नीचे रहा मार्केट तो कॉल जीरो हो जाएगा, और 29,700 के ऊपर रहा मार्केट तो पुट जीरो हो जाएगा। मतलब 29,700 और 30,100 के अंदर रहेगा मार्केट तो दोनों ही जीरो हो जाएंगे, और इसका अपडेट आपको प्रीमियम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। ये मार्केट स्पाइक अगर ज्यादा करेगा तो वो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लेके चलना है, विदाउट स्टॉप लॉस नहीं चलना है, दोनों में स्टॉप लॉस लगा देना, कहीं पर भी लगाओ लेकिन लगा दो आपका वहां पर हैवी लॉस से आप बच जाओगे, लेकिन मार्केट आपको 10 में से 7 दिन पैसा देगा ही देगा ठीक है इस टॉलर बनाने पे, क्योंकि मार्केट अभी मोमेंटम उतना कुछ खास जबरदस्त मोमेंटम यहाँ पर नहीं चल रहा मार्केट में ठीक है ना। यहाँ पर देखो 1 डे का यहाँ पर देखेंगे तो 1 डे की कैंडल स्टिक पे कैंडल देखो आप क्या दिख रहा है। हाँ ये देखो कितने दिनों से आखिर 21 जून से लेकर के ये पूरा अभी तक विदाउट मोमेंटम मार्केट चल रहा है, कोई मोमेंटम उतना कुछ खास यहाँ पर नहीं दिख रहा। जिस दिन करेगा वो तगड़ा करेगा, लेकिन उस जब करेगा तब हम कॉल बाय करके या पुट बाय करके चलेंगे। करेगा तो करेगा, अभी तो नहीं कर रहा है ना। देखो अभी 8 USD का नुकसान, 10 USD का नुकसान, 8 प्रॉफिट, 10 नुकसान 8 प्रॉफिट, ये चल रहा है अभी। PNL देखो PNL नहीं हिल रहा है, धीरे 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 करके यहाँ पर PNL ग्रीन में आ जाएगा।
कल 5 बजे एक्सपायर होता है नया कॉन्ट्रैक्ट, 5:30 बजे चालू होता है और दूसरे दिन 5:30 बजे एक्सपायर होता है। 5 बजे का टाइम एक्सपायरी का। देखो यहाँ पर क्या रेट चल रहा है, 980 रेट चल रहा है इस 980 ऑर्डर बुक भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑर्डर बुक में क्या चल रहा है 975। देखो नीचे आ रहे हैं, कॉल किसे का यहाँ से, फिलहाल के लिए नीचे आ रहा है प्राइस, यहाँ पर नीचे आ रहा है। यहाँ पर कॉल घिसा, देखो ये कॉल नीचे आ रहा है। हाँ भाई मेरे को बताओ, मैंने 100x पर लिया है ना, तो $15 का तो करा था वहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ पर कितने में प्रॉफिट टेक करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल में 10 में करने वाला हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखो $19 का प्रॉफिट आपको सामने ही दिख जाएगा कैलकुलेटर। अच्छा ओके ओआई का यहाँ पर बताते हो आपको, ऑप्शन में जाके यहाँ पर रिसोर्सेस में जाना है, उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन एनालिटिक्स में जाना है। तो ऑप्शन एनालिटिक्स में जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा भाई ओपन इंटरेस्ट टोटल डे वन, ठीक है, आज का 30,000 पे ज़्यादा कॉल राइटर है, ठीक है, एंड 29,800 पे पुट राइटर है एंड 29,600 पे यहाँ पर पुट राइटर है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देख रहे हैं चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट डे वन का क्या चल रहा है, तो यहाँ पर 30,000 पे कॉल राइटर है, 29,600 पे पुट राइटर है, 29,800 पे यहाँ पर पुट राइटर है, राइट। कौन सी स्ट्राइक में ज़्यादा वॉल्यूम है, तो 29,600 में, 29,700 में कम है, 29,800 में है और 29,900 में भी थोड़ा बहुत है और 30,000 में भी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको IV और RV में जाना है और यहाँ पर देखना है कि जब यहाँ पर IV ऊपर होगा तब आपको प्रीमियम ज़्यादा मिलेंगे, IV नीचे चला जाएगा तब आपको यहाँ पर कम मिलेंगे, ठीक है, प्रीमियम कम हो जाएंगे, बस इतना ध्यान रखना है और यहाँ पर आपकी PNL पे आपको फोकस करना है। अच्छा, और ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अगर जो कोई YouTube पे देख रहा है तो अभी तक अगर आपने डेल्टा एक्सचेंज के अंदर अकाउंट नहीं खोला है, ठीक है ना, तो आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन, आपका डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट ओपन कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा,